हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आफ्ताब और आप सभी का जो है हमारे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आप जो सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आया है, तो जिसे आप देख सकते हो कि मैंने जो है अभी अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है। अभी आगे से जो है आप लोगों को मोटो ब्लॉग इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, बट अभी उसके लिए थोड़ा वक्त है क्योंकि मुझे कैमरा भी खरीदना है, गोप्रो खरीदना है और मेरे गाड़ी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है और थोड़ा स्टिकरिंग करना है, ठीक है, तो उस चीज के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज जो है हम रमजान ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं शिवाजी नगर को। तो चलो आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि शिवाजी नगर में क्या क्या लेटेस्ट कलेक्शन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फाइनली जो है हम लोग शिवाजी नगर पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धूप भी है, तो और हम जो है दोपहर के वक्त यहाँ पे आए हैं तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा धूप भी है और वैसे भी जो है गर्दियाँ भी कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रही है क्योंकि अभी तीसरा चौथा रोज़ा ही चल रहा है। तो अभी आगे चलते चलते यहाँ पर रश भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है दोपहर के वक्त शिवाजी नगर का, और थोड़ा आगे जाते तो हमको ऐसे कुछ ड्रेसेस देखने को मिल जाते हैं। और देखिए ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे अभी गर्दी मिलने वाली नहीं है और आप दोपहर के वक्त आओगे तो आपको अच्छे से आप देख पाओगे। तो हम लोग जो है बच्चों की शॉपिंग के लिए थोड़ा आए हैं आज के दिन, और अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे बच्चों के अच्छे कपड़े हमें मिलते हैं रिजनेबल प्राइस में। तो यहाँ पे जो है रब्बानी करके एक स्टोर है, जैसे हम शिवाजी नगर में एंटर करते हैं राइट साइड में, तो अभी यहाँ पे जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद आता है। बाहर के जो डिस्प्ले है उसमें देखिए काफ़ी अच्छे कपड़े नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी जाते हैं और देखते हैं किस तरह के कपड़े इनके पास। थोड़ा मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चे के कपड़े, देखिए शायद आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अभी हम लोग ने डिस्प्ले के तो कपड़े देख लिए और फाइनली अभी अंदर जब आते हैं तो ये जो भाई हैं यहाँ पे तो इन्होंने कुछ सैम्पल्स दिखाए हैं कि ये अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हैं, तो हम लोगों ने उनको बोला कि आप वन बाय वन करके बताइए, तो जिससे कि थोड़ी आसानी हो जाएगी कपड़े देखने में और समझने। तो अभी भाई जो कह रहे हैं कि एक नया जैकेट वाला है, देखो जो कि ये है, उन्हें कहा कि ये जो है थोड़ा नया पैटर्न आया है अभी इस रमज़ान में, तो कुछ इस तरह के कपड़े हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप भी यहाँ पे विज़िट करके ले सकते हैं। तो भाई को हम लोग ने कहा कि भाई आपके पास जो जो अच्छे कलेक्शन है और न्यू कलेक्शन है आप हमें बताइए, तो फिर वो जो है वन बाई वन करके एक एक अलग अलग पैटर्न दिखाने लगे। तो आप भी जो है एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आता है तो आप यहाँ पे आके विज़िट करके ले सकते हैं, और ये वीडियो जो है कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप अभी वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा ऊपर देख, अच्छा ये अच्छा लग रहा है सर, जैकेट का अच्छा लग रहा है। तो कुछ ड्रेस यहाँ पे देखने के बाद हम लोग ने जो है चार ड्रेस जो है बच्चों के लिए फाइनल किए हैं, फिर भी और हम लोग ने कुछ ड्रेसेस देखे बट हमको कुछ इतना समझ में नहीं आया, तो हम लोग वहाँ से निकल गए और रब्बानी स्टोर के सामने जो है एक मस्जिद है और मस्जिद के बाजू में जो सामने दिख रहा है एक बच्चों के चप्पल का शॉप है। चलो अभी हम यहाँ पे शॉप में आ गए हैं और अभी जो है बच्चों के लिए जो हम लोग ने कपड़े लिए हैं उससे मैचिंग के लिए भी हम जो सैंडल्स होती है या फिर जो मुजली होती है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं, पसंद आएगा तो लेंगे वरना शिवाजी नगर तो बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से तो ले ही लेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। Thank you.
कुछ देर के बाद जो है हम लोग ने फाइनली जो है यहाँ से भी चार जोड़ी जो है सैंडल्स की ले लिए हैं, जो कि बच्चों के कपड़ों के साथ मैच हो रही थी। तो अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी हमें ताज होटल के पास, और देखते हैं आगे कुछ और क्या है नया बच्चों के लिए। तो आगे चल के जो है हम लोगों को जो है एक और शॉप दिखती है, जो कि ये है। यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था, बट जो है यहाँ पे फिक्स रेट था, इसलिए हम लोग ने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। तो थोड़ा और आगे आने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग को एक शॉप दिखती है, और इसका भी काफ़ी अच्छा डिस्प्ले था, तो उसको देखकर हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो है कुछ ड्रेसेस देखने के बाद जो है हम लोगों को एक ड्रेस पसंद आता है और हम लोग जो है उसे ले लेते हैं। तो आप जो है अभी देख लीजिए कि किस तरह का कलेक्शन है इस शॉप में। तो अभी हम लोग ने जो है ड्रेस फाइनली ले लिया है, और जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे बहुत कड़क धूप भी थी, तो हम लोग ने बच्चों के लिए गन्ने का जूस ले लिया, और हम लोग ने जो है हमारी गाड़ी भी बुक कर ली थी। तो तब तक की जो पर्स की शॉपिंग की बच्चों की वो भी हो गई, तो जो कार हमने बुक की थी वो भी अभी आ जाती है। तो अगर दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे चल के आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपडेट दिया है, आपको मोटो ब्लॉग अब इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। मैं जस्ट सोचा कि यहाँ शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो रमज़ान का वक्त है, ईद भी आ रही है, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग शूट किया। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।